Hey, how's it going everyone? My name is Maripa और आज Minecraft के अंदर हमारे पास आने वाली एक बहुत ही amazing super power. आज हम लोग इस Minecraft world के अंदर जिस भी चीज को फेंकेंगे वो चीज कुछ तो magical काम करने वाली है. For example, एक basic से basic dirt block से लेकर diamonds की बहुत ही महंगी महंगी चीजों को आज हम लोग फेंकने वाले हैं, throw करने वाले हैं और end का तो भाई तुम लोग जरूर वेट करोगे क्योंकि सबसे लास्ट में तो गाइस हम लोग लिटरली आज एक ब्लैक होल को भी समन करने वाले हैं. बहुत मजा आने वाला भाई. और ये सभी की सभी चीजें गाइस आज हमारी सच होने वाली है इस बुक की वजह से जिसका नाम है बुक ऑफ थ्रोइंग. थ्रो बिटवीन 1 and 1 million थिंग्स यूजेबल ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग. लाइक इसके साथ हम लोग आज कुछ भी कंबाइन करेंगे ना तो भैया कुछ तो मैजिकल काम होने वाला. और मैं इसको टेस्ट करने वाला हूँ एक डर्ट के साथ. लेट्स सी, एक बेसिक सा डर्ट अगर मैं कंबाइन करूंगा तो कुछ बनता. यू व्हाट द हेल, थ्रोएबल डर्ट. इफ यू थ्रो इनफ यू कुड बिल्ड अ कैसल. आर यू सीरियस डूड. ऑलराइट, इसको अपने इन्वेंटरी में निकाल के देखते हैं जरा क्या होता है अगर मैं इसको थ्रो करूंगा तो. वो वो वो, यो, आर यू सीरियस. ये चीज मेरी आंखों के सामने बनी. कहो माता जी आपने देखा मैंने क्या किया अभी यहाँ पे. ओ माय गॉड, आपने दुनिया की सबसे बेस्ट चीज अपनी आंखों के सामने विटनेस करी. आई एम नॉट इवन जोकिंग मैन. ओ माय गॉड, ये एक डर्ट का टेम्पल है लाइक लिटरली ब्रो. ओके, एक बार मैं अंदर जाके देखना चाहूंगा कि इस डर्ट के टेम्पल के अंदर हमें क्या मिलता रहा. भैया ये फॉल डैमेज मेरा 5 साल के बाद क्यों लगा, ऐसा फील हुआ मेरे को एकदम से. बट खैर छोड़ो गाइस, फटाफट एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग बहुत सारी डर्ट वगैरह निकालते हैं एंड डायरेक्ट नीचे छलांगे मार के चलना स्टार्ट करते हैं जरा अगर ये हो. यस, लेट्स गो. ओ माय गॉड, पहले इसको मैं तोड़ने वाला बिकॉज मुझे लग रहा है नीचे TNTs हो सकते हैं. और मे बी इसके नीचे TNT नहीं होंगे. इसके नीचे TNTs नहीं थे. लेट्स गो. ओके गाइस, क्या होने वाला है इसके अंदर. आई वांट टू से यो ऑब्सीडियंस. ओके, पूरे 9 ऑब्सीडियंस, गोल्डन नगेट्स है, एक चेन मेल आर्मर एंड आयरन का थोड़ा बहुत सामान का जुगाड़ ऑलरेडी हो चुका है. व्हाट द हेल, डायमंड का ही चड्डी आ चुकी है मेरे पास एंड मेरे पास आयरन भी आ चुका है. ओके गाइस, दिस इज टू ओवरपावर्ड मैन. ओ माय गॉड ब्रो, आर यू सीरियस डूड. मेरे को क्या तगड़ी लूट मिली है भाई यहाँ पे. ओके, देख रहे हैं यहाँ पे थॉर्न्स 3, मेंडिंग, सोल स्पीड, फ्लेम, अनब्रेकिंग एंड ऑफ कोर्स ये तो है ये भाई साहब. ब्रो अभी तक मैंने ना सीरियसली एक पेड़ भी नहीं खोदा माइनक्राफ्ट के अंदर एंड तुम लोग ऑलरेडी देख सकते हो हमारे पास क्या ओपी लूट आई है यहाँ पे. ओके, मैं यहाँ से बाहर निकलने वाला. ब्रो दिस इज टू ओवर पावर्ड यार, एक सेकंड को. और गाइस मैं भी एक चीज यहाँ पे ट्राई करना चाहता हूँ अगर मैं इस पेड़ को तोड़ूंगा. ओके, इसने बोला था कि ऑलमोस्ट हर एक चीज के लिए ये क्या बोलते हैं यूज हम लोग कर सकते हैं, तो क्या मैं इसके लिए यूज कर सकता. ओके लॉक के. नो वेज डूड, ओ माय गॉड, थ्रोएबल ओक लॉग. भाई मैं इसको टेस्ट करना चाहता हूँ. ऑल राइट, इसको नीचे निकाल एक बारी और अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा तो क्या. यो व्हाट, व्हाट द हेल ब्रो, आर यू सीरियस. मैंने अपने हाथों से एक विलेज को फेंक के मारा है भाई साहब. मैंने एक्चुअली एक बहुत ही बेकार जगह पे स्पॉन हुआ था जहाँ पे विलेजेस वगैरह थे भी नहीं एंड भाई साहब तुम्हारे मुंह के सामने तुम लोगों ने देखा गाइस हमारे पास थ्रोएबल विलेज आ चुका. लाइक अब मैं यहाँ पर अगर अपने पास बहुत सारे ओके लॉग्स रखूंगा तो मैं कभी भी एक विलेज को स्पॉन कर सकता हूँ, विलेजर्स को स्पॉन कर सकता हूँ. ओके दिस इज टू गुड यार, ये कैसे पॉसिबल है भैया माइनक्राफ्ट के अंदर, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार सही में भाई. ऑलराइट, इसकी चेस्ट के अंदर क्या होगा, खाने का सामान होगा इसके अंदर. लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स एंड ऑफ कोर्स एक चड्डी यहाँ पर हमारे पास पड़ी है. मैंने चड्डी को पहना क्यों नहीं भाई अभी तक. हेलो, हाँ ये वाला विलेज हमारा थोड़ा ऊपर चला गया विलेजर वाला हाउस, बट कोई दिक्कत नहीं भैया तुम्हारे पास जब ऊपर आ जाएंगे. आई जस्ट वॉन्ट टू चेक अलग अलग चेस्ट वगैरह. ओके गाइस, अगर यहाँ पर आई थिंक विलेजर वगैरह भी आसपास होने चाहिए. यहाँ पर एक फ्लैचिंग टेबल भी दी हुई है भाई, इनको हम लोग जॉब वगैरह देख कर लाइक कुछ भी कर सकते हैं. दिस इज टू गुड यार. ओ, एक स्मोकर भी मिल चुका है मेरे को यहाँ पे. रुको गाइस, चलो अभी अपने लिए थोड़ी बहुत क्राफ्टिंग वगैरह भी अब यहाँ पे करना स्टार्ट कर लेते हैं एंड व्हाट आई एम गोना डू इज कि अपने लिए मैं एक ये बनाने वाला हूँ और अपने लिए एक मैं ये बनाने वाला हूँ. तो यहाँ से गाइस मैं क्या करने वाला हूँ, इसको निकालने वाला हूँ एंड थोड़ा बहुत खुद को अपग्रेड भी करते हैं एक बार यार. चलो यहाँ से ये कबलस्टोन्स वगैरह भी निकाल देते हैं एंड ओ वेट, मेरे दिमाग में अभी एक बहुत ही तगड़े वाला आइडिया आया, एक बहुत ही तगड़ा एंड बहुत ही खुराफाती आइडिया है. रुको एक सेकंड यार, आई एम सो एक्साइटेड मैन. ओके, थोड़ी बहुत वुड्स वगैरह निकालते हैं एंड देन नीचे चलकर कुछ और मैं टेस्ट करने वाला अभी. क्या हम लोग गाइस यहाँ पर बना सकते हैं एक वुडन पिकैक्स जिसको हम लोग फेंक सकते हैं. नो वे डूड, हम लोग वुडन के पिकैक्स को ही फेंक सकते हैं. माइनिंग नॉर्मली टेक्स टू लॉन्ग, एक सेकंड रुको जरा. ऑल राइट, अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो भाई क्या होता, जरा एक सेकंड रुकते. यो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, दिस इज टू गुड. ओके ठीक है गाइस, बेस्ट हो गया ना. देखो अगर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा,
लेफ्ट क्लिक करके ये नॉर्मल से ज़्यादा स्लो तोड़ रहा है इनको, ठीक है ना। एंड आई डोंट थिंक सो कि टूट भी रही है, टूट के मेरी इन्वर्टर पे आएगा नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो भैया हम लोग यहाँ पर एकदम से माला माल हो जाने वाले हैं। देखते देखते कितने स्टैक्स आ, 3-4 स्टैक्स आ चुके। ओके गाइस अपन समझ चुके भाई। मैं बस अभी एक और चीज देखना चाहूंगा गाइस, जरा अगर ये चीज काम करेगी तो क्या मैं इस बुक के साथ इस एक्स को कंबाइन कर सकता हूँ। ओह माय गॉड, हम लोग कर सकते हैं ब्रो, दिस इज टू गुड यार। ऑल राइट, अगर मैं इसको राइट क्लिक करूंगा तो क्या, व्हाट, वेट, ये हुआ क्या, 3-4 ये वुड को डिस्ट्रॉय करता है, प्लांटेड ट्रीज टारगेटिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा अगर मैं यहाँ पे इसको तोड़ूंगा तो क्या होगा, हम लोग पेड़ को बहुत इजी, बेसिकली हम लोग ओवरऑल वुड्स को बहुत इजीली यू नो माइन वगैरह कर सकते हैं। देखो मुझे सामने गाइस, ये पूरा का पूरा हमारा घर एकदम प्रॉपर बढ़िया है। राइट क्लिक करूंगा तो इस घर की सारी वुड्स को मैं देखते ही देखते पूरा का पूरा अच्छे तरीके से यू नो डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। दिस इज गुड एक्चुअली, या आई लाइक इट, मैं एक्चुअली मेरे को पसंद है ये चीज यार। एंड अब गाइस इतने सारे मेरे पास यहाँ पर ये ओके लॉग आ चुके, लाइक 26 है, बाकी ऊपर ही पड़े हुए हैं। तो एक काम करते हैं ना, थोड़े बहुत और विलेजेस बना के उनका हवा में उड़ाते हैं भाई जरा यार। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, 16 थ्रोएबल ओक लॉग्स मैंने बनाए हैं, इसको मैं उधर के लिए, भाई कितना ऑसम है यार, मैं कहीं के लिए भी फेंक सकता हूं, ऊपर फेंका मैंने, अबे जब ऊपर से नीचे गिरेंगे सारे के सारे तो यहाँ पर ये एक विलेज में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि अभी नहीं हुआ फिलहाल को। व्हाट द हेल ब्रो, हेलो स्कैम, अगर मैं इसको सामने के लिए फेंकूंगा तो ये बन जाएगा, दिस इज सो गुड यार। ओके काम करते हैं गाइस, ये जो हमारे ओके ये है ना, बेसिकली कभी हम लोग कहीं बुरी जगह पे फंस गए तो बेसिकली ये हमारे काम आ सकते, तो इनको रखते हैं। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज कि मैं इसके साथ यहाँ पर एक इसको कंबाइन करने वाला हूं, हाँ कबलस्टोन कंबाइन नहीं होता एक्चुअली, मैं आई थॉट कि कबलस्टोन भी होता यार, काश होता तो कितना मजा आता। अब इसकी जगह पे गाइस एक काम करते हैं, इसकी जगह पे हम लोग कुछ और करने की ट्राई करते हैं, एक सेकंड को, हम लोग यहाँ पर एक ये भी तो बना सकते हैं, लाइक अरे स्टोन की स्वॉर्ड नहीं, मेरे को एक्चुअली में ये वाली स्वॉर्ड बनानी थी। ओके गाइस लेट मी चेक दिस कि क्या हम लोग इस स्वॉर्ड के साथ इसको कंबाइन कर सकते हैं। ओह माय गॉड ब्रो, व्हाट द हेल, हम लोग कर सकते हैं। ओके मैं इसको एक बार टेस्ट करने वाला हूं, इन भाई जी को निकालेंगे नीचे एक बारी, एंड अगर राइट क्लिक करेंगे तो ये फेंक के क्या, वेट कुछ भी नहीं हुआ यार। ओह वेट अ सेकंड, क्या लिखा इस पे, इट्स लाइक अ डार्ट, एक डार्ट की तरह ही। बेसिकली हम लोग अपने टारगेट को दूर से स्वॉर्ड फेंक के मार सकते हैं भाई, ये तो मेरा सपना था, ये तो मेरा सपना था भैया, लाइक मेरा आज तक का सपना था गाइस ये। कोई भी गेम हम लोग खेलते थे, हम लोग हमेशा यही बोलते थे कि हम लोग इस स्वॉर्ड को फेंक के मार सकते हैं, है ना, तुम लोगों को पता ही है। फाइनली हम लोग अब वो चीज कर सकते, देखो गाइस यहाँ पर लकड़ियां हैं, डायरेक्ट राइट क्लिक करेंगे सारी लकड़ियां हम लोग तोड़ेंगे एंड हमारे इन्वेंटरी में आ जाएगी, दिस इज गुड यार। और ये चीज तुम लोग भूले ही मत भाई, सीधा माइन करना है तो डायरेक्ट राइट क्लिक कर करके हम लोग यहाँ पे माइन कर सकते हैं, सो गुड। अच्छा अब एक काम करते हैं ना भैया, हमारे पास ये वुडन का सामान इतना सारा पड़ा हुआ है, तो क्यों ना एक बार जरा हम लोग इस वुड के सामान को फेंक कर अपने लिए यहाँ पर क्यों ना ये स्टोन वाला सामान बनाए। तो मैं क्या करने वाला भैया, एक मैं ये बनाने वाला हूँ, ठीक है ना, और एक मैं यहाँ पे ये बनाने वाला हूँ, और एक हम लोगों ने ये स्टोन की स्वॉर्ड तो बनाई थी। मैं एक चीज देखने वाला गाइस, क्या ये काम करता है कि नहीं करता, सबसे पहले पिकैक्स काम करती है, पिकैक्स काम करती है, वेट अ सेकंड, ओके दिस इज गुड, ये एक्स काम नहीं करती है, ठीक है भैया, एंड स्वॉर्ड भी काम करती है, लेट्स गो। मैं इन सभी को बना के आता एक बारी, आई जस्ट वॉन्ट टू चेक दिस गाइस कि हमारी स्टोन वाली क्या करती है। हाँ द वुडन पिक कैप्ट ब्रेकिंग, सो आई थिंक गाइस जो हमारा वुडन वाली काम कर रही है ये वही काम करेगा, बट उससे बेटर करेगा शायद से। Yes! ये ज्यादा इलाका हमारा माइन कर रहा है। वेट अ सेकंड, पहले मैं एक चीज देखना चाहता हूँ, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वेट, मुंह के सामने गाइस एक आयरन दिया हुआ है, तो ये वुडन वाली हमारा आयरन वगैरह को नहीं खोद सकती है, देखो, बट क्या ये खोदेगी? Yes! ये हमारे आयरन को भी खोद सकती है। ओके दिस इज गुड, दिस इज गुड, आई मीन दिस मेक्स सेंस यार, क्योंकि हम लोग गाइस वुडन स्वॉर्ड से आयरन को तो खोद नहीं सकते ना, दैट्स व्हाई, गॉट इट मैन। तो चलो अब एक काम करते, थोड़ा सा नीचे चलते गाइस एंड अपने लिए अच्छे अच्छे सामान वगैरह निकालते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये बहुत सारा, मैं कोल नहीं निकाल पा रहा हूँ इससे, देखो गाइस मुंह के सामने कोल है, कोल को खोदते ही कोल सारा का सारा गायब हो जाता है। ओके सो व्हाट आई नीड इज समथिंग जो कि कोल को भी खोदे आराम से, एंड मुंह के सामने एक बहुत ही बदसूरत सा प्राणी है जिसको मैं फेंक के मारूंगा, तेरे को मैं फेंक के मारूंगा बेटे, लेट्स गो, टच भी नहीं करने की जरूरत पड़ी तेरे को। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो भाई साहब तुम लोग देख रहे हो विद इन 2-3 मिनट्स मैं ऑलमोस्ट 1.5 स्टैक आयरन का निकाल के ला चुका हूँ यार।
ये इतनी ओवर पावर्ड चीज है कि भाई मजा ही आ गया, इसको तोड़ो भाई, मैं ऊपर ही नहीं आ पा रहा यार, कमाल है भैया। अभी तुम्हारा भाई इतना ओवर पावर्ड है कि क्या ही बोलूं गाइस, मेरे पास यहाँ पे ना खाने की कमी हो रही है। व्हाट आई वांट कि कुछ खाने का सामान मिल जाए ना मेरे को ना, तो मैं उससे देखना चाहूंगा कि हम लोग और क्या बना सकते हैं खाने के सामान से। मैं अभी एक काम करने वाला हूँ, फिलहाल कोई एप्पल्स खा के थोड़ा सा जुगाड़ करने वाला हूँ। एंड जिस चीज के बारे में सोच रहा था गाइस, मुझे वो चीज भी मिल चुकी है, मुझे एक हे मिला है। एक बार जरा गाइस इस हे को देखते हैं भाई, अगर यहाँ पे हे के साथ कुछ हो जाएगा ना तो भाई मजा आ जाएगा। एक सेकंड को कंबाइन करेंगे तो लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, थ्रोएबल हे बेल भी बन सकते हैं यहाँ पर ब्रो, दिस इज सो गुड। ऑल राइट, जरा हे बेल को हम लोग ऊपर से नीचे फेंकूंगा तो क्या होगा, ये क्या रे, वेट, ओ माय गॉड, आर यू सीरियस डूड, यहाँ पर बहुत सारे घोड़े स्पॉन हो गए यार। ओके अगर मेरे पास एक सैडल पड़ी हो तो क्यों ना अपना पहला पेट इस वर्ल्ड का बनाया जाए, जो कि होगा हमारा एक घोड़ूलाल। अरे भाई मान जा भाई, प्यार कर ले मेरे से, इतना क्यों भाव खा रहा है, बहुत टाइम के बाद घोड़ा पटाने की ट्राई कर। आई थिंक पट गया, ऊ क्या पटा तू, नहीं पटा यार भाई, पट जाना यार, जल्दी हो जा भाई, समय की कमी है भाई। कितने भाव खा रहा है देख रहे हो, इसके हर्ट्स देख रहे हो तुम लोग, 26 हर्ट्स है इसके, दैट्स व्हाई ये बंदा बहुत ज्यादा भाव खा रहा है। आई थिंक जितने ज्यादा हर्ट्स इन घोड़ों के होते हैं उतने ही ज्यादा टाइम लगता है इनको टेम करने के लिए। अरे मान जा, अरे दिल दे दे भाई, नहीं मानेगा भाई ये बंदा ऐसे। लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, फाइनली ही इज माइन, लेट्स गो। चलो भाई अब फाइनली हम लोग ट्रैवल तो कर पाएंगे अच्छे तरीके से। एंड हे बेल वाली ट्रिक बाय द वे काम नहीं करी यार, यहाँ पर ना बहुत सारे घोड़े वगैरह स्पॉन हो गए बट कुछ खाने का सामान स्पॉन नहीं हुआ यार, आई थॉट कि कुछ खाने का स्पॉन होगा। खैर छोड़ो गाइस, यहाँ पर बहुत सारी हे बेल्स पड़ी हुई है, इसको मैं एक बार यहाँ पर डिस्ट्रॉय करता हूँ एंड अपने लिए बहुत सारी ब्रेड्स वगैरह बनाते हैं ना। ऑलराइट गाइस, सो फॉर सम रीजन मैं अपने थ्रोएबल स्टोन पिकैक्स के साथ यार कोल वगैरह तोड़ नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। तो मैं काम करा नॉर्मली इस कोल को मैं तोड़ने वाला, बिकॉज आई रियली नीड कोल राइट नाउ। ओके, बिकॉज मेरे को खाना वगैरह या फिर कोई चीजें पकानी है, आयरन पड़ा हुआ, आयरन को पकाने के लिए भैया कोल तो चाहिए ना भाई बहुत सारा। तो अभी फिलहाल कोई वेट अ सेकंड, मैंने ध्यान नहीं दिया इसका, क्या मैं कोल के साथ कुछ कर सकता हूँ क्या? नो, अगर तो भाई कोल को मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर पाता, दिस विल बी टू मच ओवर पावर्ड यार। यो थ्रोएबल कोल, इफ ओनली द वर्ल्ड हैड मोर कोल टू माइन, आर यू सीरियस ब्रो, हम लोग यहाँ पे लिटरली कोल के साथ भी कर, वेट अ सेकंड यार, मैं इस कोल के साथ क्या कर सकता हूँ? यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ओनली द वर्ल्ड हैड मोर कोल, इसका मतलब क्या हो गया? मेरे को एक सेकंड रुको, पहले यहाँ पर मैं टॉर्चेस वगैरह लगाने वाला ऑफ कोर्स, बिकॉज आई वांट टू सी कि इसका क्या मतलब हुआ। रुको एक बार राइट क्लिक करेंगे जरा एक बार, व्हाट ये क्या हुआ, ये क्या हो गया, सब कुछ यहाँ पे अंधेरा क्यों हो गया भाई? हेलो वेट, ये कौन से ब्लॉक्स है भाई, काले से ब्लॉक्स लग रहे भाई ये बहुत सारे यार। मेरे को एक सेकंड रुको, अगर मैं इसको हटा के देखूंगा, ब्लॉक ऑफ कोल, नो फ्रीकिंग वेज डूड, एक सेकंड भाई, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल डूड। मैं इसको, ओ माय गॉड, हर जगह पे कोल ही कोल आ चुका है। यो वेट, क्या मैं इसको इससे खोद सकता हूँ? नो, ये आ नहीं रहा मेरी इन्वेंटरी में, नहीं यार, कोल के ब्लॉक्स क्यों नहीं आ रहे यार, काश ये कोल के ब्लॉक्स आते तो कितना बेस्ट हो जाता। वेट, मैं इसके साथ एक बार ट्राई करने वाला हूँ कि आपके साथ आएंगे ये कोल को तो खोदता ही नहीं वुड वाला। बट गाइस, हमारे पास यहाँ पर कोल का भंडार आ चुका है, ओ माय गॉड, वेट अ सेकंड, मैं एक बार इनको यहाँ पे तोड़ने वाला हूँ। ठीक है भैया, देखो गाइस, एक कोल से मैं यहाँ पर इतने सारे कोल के ब्लॉक्स निकालने वाला हूँ कि भाई हमारे पास पूरी वीडियो के दौरान कोल की कमी तो नहीं होने वाली है ना, दिस इज गुड यार। ऑल राइट गाइस, और इतने सारे कोल के साथ, एक सेकंड को सारा सामान उठाते हैं, इतने सारे कोल के साथ मैंने सारा का सारा आयरन स्मेल्ट करने के लिए लगा दिया, दिस इज गुड, ओ माय गॉड, मजा आ रहा है भाई मेरे को, सच्ची बता रहा हूँ मैं। और इसी के साथ एक सेकंड को, क्या मैं रिस्क लूं, अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा तो क्या सब टूटेगा? हाँ, आ रहा, मैं डर गया था, मेरे को लगा कहीं गलती से भी अगर मेरा सारा का सारा आयरन वेस्ट हो गया ना भाई, मैं रो जाता हूँ यहाँ पे। चलो गाइस, अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे अपने लिए अच्छे से आयरन के आर्मर बनाते हैं, आयरन का अपने लिए सामान। वेट अ सेकंड, हम लोग आयरन की सामान बनाने की जगह टेस्टिंग क्यों ना करें भाई? एक सेकंड रुको भाई, खुराफाती आइडिया है मेरे को, एक सेकंड रुको। ऑल राइट, सबसे पहले एक पिकैक्स, फिर एक बनाऊंगा एक्स, और फिर मैं क्या बनाऊंगा, और एक तलवार बनाऊंगा मैं। तुम्हारा भाई अभी यहाँ पे सब कुछ टेस्ट करने वाला। ओके गाइस, इस बुक को यहाँ पे रखेंगे, तलवार बनती है, ओह माय गॉड, थ्रोएबल आयरन स्वॉर्ड, ओके वेट अ सेकंड, ये बनता है, ओह माय गॉड, थ्रोएबल आयरन की पिकैक्स एंड साथ ही साथ एक्स बनती है, एक्स नहीं बनती सिर्फ। ओके ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो मैंने यहाँ पर दो चीजें बनाई है अभी, एक तो मैंने पिकैक्स बनाई है आयरन वाली, वाई सो हार्ड, ओके इस पे वाई सो हार्ड लिखा, इस पे क्या लिखा हुआ है, आयरन की स्वॉर्ड के ऊपर, थ्रो इट हार्डर हिट देम हार्डर, ओके इसका मतलब मैं समझा नहीं, बट आई थिंक यस, ये जितनी भी गाइस हमारी स्वॉर्ड्स वगैरह है ना,
ये सारी की सारी यहाँ पर एक्चुअली में सिर्फ और सिर्फ एनिमीज को मारने के काम आती है। जैसे कि मैं इस हॉर्स को मारा ऊपर तो आसानी के साथ में इसको बहुत ज्यादा दूर मार पाया। आई थिंक इसकी रेंज बढ़ चुकी है सिर्फ और सिर्फ, दिस इज गुड। और इसके अलावा आयरन पिकैक्स को अगर हम लोग देखेंगे तो गाइज मैं समझ गया हूँ भाई हो क्या रहा एक्चुअली में। देखो जो हमारी ये है वुडन वाली है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइक चार या पांच ब्लॉक के चंक को यू नो कवर करता है। जो स्टोन वाली आई थिंक है दो को करता है और ये वाली तीन को करता है। यो माई गॉड, ओके डूड्स, आई थिंक ये हमारा डायरेक्ट बहुत सारी चीजों को तोड़ने वाला है। डायमंड्स वगैरह आसानी के साथ निकालेगा। भाई कैसी आवाज़ें निकाल रहा है यार, डरा रहे हो भाई मेरे को तुम यार। ऐसा मत करो यार, हमें डर लगता है भैया इतनी हाई साउंड से, कान फोड़ दोगे मेरे तुम लोग यार कसम से। बट गाइस दिस इज गुड, हम लोग यहाँ पे बहुत आसानी के साथ माइनिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस मैं अभी दो चीजें और टेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। आयरन से हमारी दो चीजें और बनती है, अगर ये छलांग मार के बाहर निकलेगा तभी मैं उसको आई थिंक टेस्ट कर पाऊंगा। चलो सबसे पहले तो गाइस मैं देखना चाहूंगा कि हम लोग एक नॉर्मल से आयरन इंगेट को कर सकते हैं क्या। ब्रो हाउ इज दिस पॉसिबल यार, लाइक हम लोग एक सिंपल से आयरन के इंगेट को भी कन्वर्ट कर सकते हैं थ्रोएबल आयरन इंगेट में। और इसको एक बार नीचे निकाल कर चेक कर जरा भाई करता क्या है। वेट यहाँ पे लिखा है ऑलवेज कीप योर गार्ड्स अप। गार्ड्स का मतलब होता है जैसे हम लोग बॉक्सिंग करते हैं तो गार्ड्स का मतलब होता है लाइक जो आपको प्रोटेक्ट करता है। तो इसके राइट क्लिक करने से क्या होगा? ओ व्हाट द हेल ब्रो, आयरन गोलम की भीड़ यहाँ पर आ चुकी है। और वेट अ सेकंड भाई तू मेरा ही है ना, अगर मैं तेरे को मारूंगा तो क्या तू मुझे नहीं मारेगा? और अगर मैं इसको मारूंगा तो देखते जरा क्या होता है, कुछ ड्रॉप करोगे आप कि नहीं करोगे? बिकॉज अगर आप ड्रॉप करोगे तभी तो मेरा फायदा होगा ना। ले तेरी ऐसी की तैसी, उसने कुछ भी ड्रॉप नहीं किया। दिस मीन्स ये वाले जो हमारे आयरन गोलम्स है गाइस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है हमारे गार्ड्स, यानी कि मुझे सिर्फ प्रोटेक्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। दिस इज गुड। और अभी गाइस मैं एक और चीज यहाँ पर टेस्ट करने वाला, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं एक शील्ड अपने लिए, एंड क्या हम लोग इस शील्ड के साथ भी वेट हेलो सारे के सारे बंदे गायब हो गए। ये क्योंकि बहुत ओवरपावर्ड चीज है, मेरे पास यहाँ पे आयरन गोलम्स की पूरी सेना आ जाएगी। दैट्स व्हाई सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 60 सेकंड्स के लिए आएगी है सेना। तो आई थिंक अगर मैं मेरी जान खतरे में होगी गाइस तो मैं बहुत सारे बना कर रहूंगा ऑलरेडी, तो मैं कभी भी उनको स्पॉन कर सकता लाइक इंस्टेंटली अपनी जान बचाने के लिए। मैं बस अभी एक चीज टेस्ट करना चाहता रहा कि अगर मैं शील्ड को रखूँ तो क्या शील्ड से कुछ होता। ओ माई गॉड व्हाट, हाउ हार्ड डू यू थिंक वी कैन हिट अ मॉब? हम लोग शील्ड को भी फेंक के मार सकते हैं, दिस इज ओपी डूड। तो इसको नीचे निकाल और एक बार रुको जरा, पीछे घोड़ा दिख रहा है मेरे को भैया, फेंक के मार इसको। व्हाट व्हाट, नो वेस, नो फ्रीकिंग वेस डूड। भाई मैंने क्या देख लिया, ये मैंने क्या देख लिया, इतना बड़ा गड्ढा, शील्ड का साइज देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे, क्या तगड़ा है। ओ माय गॉड, ओके आई गॉट इट गाइस। शील्ड बेसिकली क्या करे, मान लो मेरे सामने कोई बदसूरत प्राणी आ गया, जैसे कि ये आ गया, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं राइट क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट इस प्राणी को उड़ा के लेके जाएगा अपने साथ और सीधा कितने ब्लॉक्स, आई थिंक 200-300 ब्लॉक्स दूर। ओ माय गॉड, मेरे पास यहाँ पे ऑप्टिफाइन का सी जूम नहीं है, वरना मैं तुम लोगों को जूम करके दिखाता ब्रो। दिस इज टू ओवरपावर्ड यार, टू ओवरपावर्ड। हम लोग इसको हवा में फेंकेंगे तो देखो ऊपर कहां तक जाएगा भाई ये। ओ माय गॉड, अन इमेजिनेबल पावर है भाई ये वाली। ऑल राइट, अगर मैं इसको एफ लाइक ऐसे दबाऊंगा लाइक अपने ऑफ हैंड में पकड़ के फिर मैं चलाऊंगा लाइक अगर मैं इसको हटा दूं तो दिस इज गुड, दिस इज बेटर एक्चुअली। क्या जब ये काम करते हैं जो 44 आयरन इंग्रेड्स है, मैं इससे क्या करता हूँ अपने लिए गार्ड्स वो बनाता हूँ लाइक गार्ड वाले आयरन इंग्रेड्स जो कि मैंने बना दिए हैं, और इसको मैं यहाँ पर कहीं पर रख देता हूँ, ठीक है ना भैया। ऑल राइट, अब मैं कभी भी यहाँ पर राइट क्लिक करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे आयरन गोलम्स की बारिश हो जाएगी, एंड ये मेरे पीछे पीछे भी आएंगे। अरे यार देखो भाई, मेरे पीछे पीछे भी आएंगे भाई, तुम्हारे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया। हेलो, कोई हमें टच भी नहीं कर सकता, इसको मारेंगे क्या ये? अच्छा इसको तो क्यों मारेंगे, हॉस्टाइल मॉब नहीं है ना ये। ठीक है भाई, ठीक है भाई, अभी अंडर ड्रैगन ने आपकी 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 खैर नहीं है भाई। अभी मैं बस एक या दो चीजें और टेस्ट करना चाहूंगा। ओह वेट अ सेकंड गाइस, ए वेट अ सेकंड, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आयरन का ओए वेट, ये क्या हो रहा है? तुम लोग इस पे देख रहे हो कुछ नीचे से इफेक्ट जैसा आ रहा है, और जब तक आई थिंक ये वाला इफेक्ट खत्म होगा तब तक ये हमारे साथ रहने वाले आयरन गार्ड्स वगैरह। ओह दिस इज बेटर एक्चुअली, मुझे पता चलता रहेगा कि कब तक ये हमारे साथ रहेंगे एंड कब तक ये हमारे साथ नहीं रहेंगे, सो इट्स बेटर आई थिंक या। और इसको मैं साइड में निकाल कर रखता हूँ गाइस। अभी ना मैं भी एक काम करने वाला हूँ, सबसे पहले अपने लिए एक चेस्ट प्लेट बनाऊंगा, एक चड्डी बनाऊंगा, एक ये बनाऊंगा एंड एक हेलमेट बनाऊंगा, एंड आई जस्ट वॉन्ट टू सी कि हम लोग क्या क्या चीज़ें कंबाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आयरन का हेलमेट ये काम नहीं कर रहा एक्चुअली में,
क्या ये चेस्ट प्लेट का? ओह, चेस्ट प्लेट काम कर रही है। डू यू वॉन्ट टू बिल्ड अ स्टैचू? भाई ये कुछ तो क्रेजी करने वाला। okay, इसमें फिलहाल को निकाल रहा हूँ। क्या चड्डी काम करेगी? चड्डी काम नहीं कर रही है। और क्या जूते काम करेंगे? जूते भी काम नहीं कर रहे। ओके, तो जो जो चीजें काम नहीं कर रही है वो मैं पहन लेता हूँ। एंड आयरन की चेस्ट प्लेट, एंड एक जो आयरन का ये एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना भैया, इसको मैं यहाँ पे नया बनाकर एक नई खोज करते हैं। जरा इसको नीचे निकालते हैं। मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ इसको देखने के लिए कि ये क्या करता है। ओके, राइट क्लिक मारे, क्या करेगा ये, क्या करेगा? हेलो हेलो हेलो, व्हाट द हेल, उसने पूरा का पूरा एक स्टीव बना के दे दिया उसको। हेलो, आर यू सीरियस डूड? भाई मैं करूंगा गाइस स्टीव से, लेकिन एक सेकंड रुको गाइस, थोड़े बहुत ब्लॉक्स की जरूरत पड़ने वाली है मेरे को अभी। आई वॉन्ट सम ब्लॉक। अरे भाई मैं एक बात बताऊ तुम लोगों को, भाई ये जो हमारा आयरन पिकेक्स वाला, ये ना एक्चुअली में स्टोन्स को नहीं खोद पा रहा है। स्टोन्स को ये भी नहीं खोद पा रहा, स्टोन को खोदेगा सिर्फ और सिर्फ ये। बेसिकली अलग अलग पिकैक्स अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम लोग ये मान के चल लो। ठीक है भैया, तो बेसिकली मुझे हर एक चीज की जरूरत पड़ने वाले थ्रू आउट द एंटायर वीडियो। दिस इज गुड एक्चुअली। अदरवाइज अगर मैं वुडन से लाइक दूसरे उसमें लाइक प्रोग्रेस करता तो उसको मुझे फेंकना पड़ता है। ऊपर चलता देखते यार इसके खोपड़े में क्या है ऐसा, लाइक ये यहाँ पर स्पॉन क्यों हुआ? इसका कोई ना कोई रीजन तो होना चाहिए ना भाई, ऐसे कैसे स्पॉन हो रहा है भाई तू? नहीं तो चलो इसके सर के पास मैं पहुंच चुका हूँ, एक बार ऊपर चलते हैं। एंड एक बार रुको, एक बार ये इससे तो नहीं होने वाला भैया, मेरे को इससे करना पड़ेगा। इसको तोड़ इसको एक बार। ओह, व्हाट द हेल इज इनसाइड ब्रो? वेट, ये इसका दिमाग है? लाइक सीरियसली डूड, इसका दिमाग बनाया हुआ यहाँ पे यार पूरा का पूरा। एंड आई थिंक हमें इसके दिमाग देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे एक काम करने वाला, डायरेक्ट इसको तोड़ के ले भाई, मरना नहीं है। स्मार्टी क्या कर रहा भाई तू, मर जाएगा ऐसे करके? चल इसको आगे मार, एंड यहाँ पे स्टेप्स बनने को नीचे उतर जा भाई साहब। दिस वॉज गुड यार। चलो गाइज फिलहाल को बहुत ज्यादा टेस्टिंग ऊपर हो चुकी है, काम करते हैं ना, डायरेक्ट नीचे चलते हैं और डायमंड्स को खोदना स्टार्ट करते हैं। बिकॉज आई वॉन्ट टू चेक कि भैया डायमंड्स से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, लाइक डायमंड्स वाली चीजें कितनी ज्यादा ओवर पावर्ड है। एंड इन द एंड तुम लोगों को बता, हमने जाना है, एंड में एंडो ड्रैगनी को मारने के लिए। सो या डायरेक्ट फटाफट खोद खोद के चलते भैया नीचे के लिए। आ हा 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 भैया, मुंह के सामने देख रहे हो, बहुत सारा डायमंड है, लेट्स गो बॉयज। अबे डायमंड मेरे इन्वेंटरी में नहीं आया। हाँ अब आ गया, शाबाश। अभी मेरे को बस गाइस डायमंड्स निकालना है बहुत। ओह माय गॉड, लेट्स गो बॉयज, 8 डायमंड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। थोड़ा सा और नीचे मैं गाइस जाने वाला हूँ डायमंड्स की खोज, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे डायमंड्स मिलने वाले मेरे को। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, हम लोग पूरे के पूरे बेडरॉक लेवल तक आ चुके हैं। तुम लोगों को ना अंधेरा दिख रहा होगा आई नो, बट मैं क्या करूँगा गाइस, बस यहाँ पे ग्राइंड करके फटाफट बाहर निकलने वाला हूँ। एंड सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स हम लोग बाहर करने वाले हैं। यस लेट्स गो गाइस, नीचे तो भाई इतने सारे डायमंड्स मिलते हैं कि क्या ही बोलूं यार। डायमंड है भाई यहाँ पे तो यार। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, मैं बाहर आ चुका हूँ पूरे 40 डायमंड्स के साथ। एंड अभी हम लोग यहाँ पर अलग अलग चीजों को एक्सपेरिमेंट करके देखने वाले हैं कौन सी चीज कितनी ज्यादा ओवर पावर्ड है। ओके, मेरे पास यहाँ पे बस अभी एक चीज नहीं है जो कि है क्राफ्टिंग टेबल। तो क्राफ्टिंग टेबल देखो गाइस, इससे पहले हमने जो जायंट ये जो स्टीव बनाया, ये बना था हमारा एक चेस्ट प्लेट के साथ। तो मैं देखने वाला क्या ये हमारी चेस्ट प्लेट काम करेगी, क्या ये इस बुक के साथ कंबाइन होती है। ओ माई गॉड, इसका नाम है लार्जर देन लाइफ। देखते हैं जरा भैया लार्जर देन लाइफ हमारा क्या करता है। इसको मैं इधर के लिए कहीं पे थ्रो करने वाला हूँ, क्या होगा इससे एक बारी। वेट, ये क्या है? वो तो हमारा स्टीव था। व्हाट द हेल आर यू ब्रो? वेट अ सेकंड, आई जस्ट वांट टू चेक दिस। वेट, ये तो कुछ अलग ही लग रहा है भाई मेरे को। एक सेकंड रुको। आई वांट टू सी दिस मैन, आई रियली वांट टू सी दिस। ओह, ये तो नॉच है, ये तो नॉच है। ओके एक सेकंड भाई, मैं देखना चाहूंगा एक बार इसको। तुम लोग टेंशन मत लो भैया, ऊपर चल के एक बार देखते हैं कि इसके सेंटर में क्या है। लाइक जैसे हमारे सर के ऊपर लाइक वो ब्रेन था ना अजीब सा क्राइंग ऑब्सीडियन का, इसके सर पे देखते क्या है जरा एक बारी। अदरवाइज यहाँ पे नॉच क्यों आएगा भाई? नॉच तो गेम का क्रिएटर है भाई, इसका क्या काम है यहाँ पे। एंड हम लोग ऑलमोस्ट भाई जी के सर के पास पहुंच चुके हैं। वेयर आर यू माई ब्रदर? चल। और मुझे बस एक पिकैक्स नीचे निकालने, सिंपल वाली पिकैक्स। हाँ है, पड़ी हुई यहाँ पे, शाबाश। एंड एक बार जरा इसके दांत को तोड़ के देखते। कुछ तो है इसके अंदर। वेट, कुछ तो है इसके अंदर। ये क्या है? यू ओ, ऊपर एक स्पेशल चेस्ट है। वेट, यहाँ पे छोटा सा पार्कोर है गाइस। इस पार्कोर को तो तुम्हारा भाई ऐसे लाइक आंख बंद करके, अरे यार आंख बंद करके मैं पार कर सकता रहा इसको, बट थोड़ा सा मुश्किल है, बट उतना मुश्किल भी नहीं है। तुम्हारा भाई यहाँ पर पार्कोर चैंपियन है भैया। हम लोग क्या कर रहा हूँ, मैं समझ नहीं आ रहा है। इस टाइप के पार्कोर तो भैया हम बचपन में क्या करते रहे भाई, बचपन में, ठीक है ना।
इसको मैं फटाफट पार करता हूँ। एक बार सबसे टॉप पे जाते हैं जरा गाइस और देखते हैं इस चेस्ट के ऊपर क्या है। और आई कैन डू वन मोर थिंग गाइस, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ना यूं करके भी जा सकता हूँ अगर थोड़ा थोड़ा सा बिग ब्रेन हम लोग अगर लगाएंगे तो, है ना। चलो इसको तोड़े एक बारी एंड क्या है आपके अंदर। लॉल, इतना बड़ा बेवकूफ मेरा आज तक नहीं कटा है यार, भाई कमाल है। इसके लिए मैं इसको डिस्ट्रॉय कर देगा पूरे तरीके से, समझे। और खाना खाना पड़ेगा भाई, मैं खुद डिस्ट्रॉय ना हो जाऊं यहाँ पे भाई साहब। चलो इसको पूरा कपड़ा तोड़ तोड़ के गाइस नीचे चलेंगे हम लोग, तोड़ तोड़ के। चलो भैया आराम आराम से, देखो ना भाई ऊपर से नीचे आने की जरूरत ही नहीं, पर राइट क्लिक करना है और धीरे धीरे करके हम लोग सीधा नीचे पहुंच जाएंगे भाई। वाह यार, आई लाइक दिस मेरे को बहुत अच्छा लगा मतलब यार। ओके सो अभी मैं गाइस अभी एक और काम यहाँ पर करने वाला हूँ। आई वॉन्ट कि इसको नीचे निकाल के, तो यहाँ पर बहुत सारा ये भी पड़ा हुआ है। क्या हम लोग यहाँ पर एक गोल्ड की चेस्ट प्लेट के साथ कर सकते हैं क्या कुछ हम लोग, देखूं मैं जरा एक बारी। हम लोग थ्रोएबल गोल्ड आर्मर भी बना सकते हैं, वाओ। अब जरा इसको नीचे निकाल और इसको भी, मैं आई थिंक इससे भी शायद से कुछ ना कुछ तो बनना चाहिए। लेट मी, इससे अलग से बना है भाई, और इसके खोपड़े पता नहीं क्या ही फालतू चीज होने वाली है। चलो एक बार जाके देख ही लेते हैं ना भाई क्या ही फर्क पड़ता है। ऑलराइट, हम लोग इनके मुंह के पास पहुंच चुके हैं गाइस, मुंह के पास, और देखते हैं इसके अंदर क्या ही है। अरे एमेथिस्ट है इसके मुंह के अंदर, इसका दिमाग नहीं भाई, इसका शार्प दिमाग है बेसिकली, यहाँ पे ये बोलने की कोशिश हो रही है। और मेरा जो कैरेक्टर है गाइस वो बाय द वे गेम के अंदर स्टीव का, तो ये बोलना चाहते हैं कि स्टीव बेसिकली उतना इंटेलिजेंट नहीं है, पर जो एलेक्स लड़की है ये ज्यादा इंटेलिजेंट है गेम के अंदर। और खे मैं समझ रहा हूँ भाई, हेलो मैं समझ रहा हूँ भाई। गाइस आई थिंक इट्स टाइम कि हम लोग यहाँ पर अब बनाए डायमंड की चीज। ओके एक आएगी हमारी ये, एक आएगी हमारी ये, आई थिंक तलवार भी मुझे बनानी तो चाहिए गाइस। और क्या होता है डायमंड का, इसके अलावा हम लोग और क्या बना सकते हैं, आई थिंक इतना ही है। वेट अ सेकंड गाइस, बुक यहाँ पे लगा, क्या हम लोग एक एक करके बनाते हैं, ठीक है गाइस। पिकैक्स बना सकते हैं, डू द वर्क ऑफ ओवर 100 मैन, आई थिंक ये हमारी सबसे ज्यादा ओवर पावर्ड होने वाली। ये वाली का क्या सीन है, Zeus would be impressed। और इसके अलावा गाइस एक आखिरी चीज मैं टेस्ट करने वाला हूं कि हम लोग डायरेक्ट इसको लगा। Yes, I hear there is a temple at the bottom of the world। इसको क्या मतलब हुआ यार, वेट मैं इन तीनों को बनाता हूं एक बारी। All right boys and girls, first of all I want to check कि throwable diamond क्या करता है। रुको एक डायमंड को मैं इसके पिछोड़े मार, वेट, oh my god what the hell, throwable diamond ने यहां पर पूरा का पूरा एक डायमंड का स्ट्रक्चर। यो दिस इज नॉट रियल डूड, दिस इज नॉट रियल यार, oh my god। रुको एक बार इससे, यस, और इसके राइट क्लिक करते ही हम लोग यहाँ पर इनफाइनाइट डायमंड्स को माइन कर सकते हैं। यार भाई यार ये इतना ओवरपावर्ड क्यों है यार, व्हाई इज दिस सो मच ओवरपावर्ड है, इतना तो नहीं होना चाहिए था यार, सच्ची बता रहा हूं मैं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। रुको एक सेकंड, व्हाट आई वांट टू डू राइट नाउ इज कि मैं ना गाइस इसको लाता हूं सस्ते वाले को, ताकि मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्ट्रॉय करूं। एंड अब मैं नीचे आराम से जाकर गाइस, आराम से जाकर यू नो इस प्रेशर को डिस्ट्रॉय करूं, बिकॉज इसके नीचे कुछ भी हो सकता है। लाइक अगर इसके नीचे गलती से भी लाइक वो डायमंड हुआ ना, मैं क्या बोल रहा हूँ डायमंड भाई, अगर वो नीचे बहुत सारे अगर TNT जो तो दिक्कत हो जाएगी। यस बॉयज एंड गर्ल्स, नेदरराइट के स्क्रैप्स बहुत सारे, ये नेदरराइट की हो पड़ी हुई है। अरे भाई दुनिया भर का ये क्या है, रिकवरी कंपास, अगर हम लोग मर भी जाएंगे तभी हम लोग रिकवरी कर सकते। ओ माय गॉड डूड्स, एक एनविल तक पड़ी हुआ, मेंडिंग अनब्रेकिंग इंपेलिंग फॉर्च्यून 3, मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूं, इतना ओपीएस्ट ऑफ द ओपीएस्ट चीजें आज मेरे साथ हुई है, मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा भाई, मैं क्या रखूं क्या नहीं रखूं, आई एम स्पीचलेस यार। चलो एक काम करते हैं, ये तो मैं निकाल ही देता हूँ, और एमरल्ड्स भी सोचो निकाल लेता हूँ, ये थॉर्न्स को हटा देते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना भाई। ओ माई गॉड यार, देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे क्या क्या मिला है मेरे को गाइस, 15 नेदरराइट के स्क्रैप्स मिले हैं और 64 एमरल्ड्स मिले हैं भाई साहब। मैं तो तुम्हारा भाई तो अब यहाँ पे डायमंड्स के ब्लॉक के साथ ऊपर जाने वाला भाई, टेंशन क्या है भाई, हेलो दुनिया भर का डायमंड। और गाइस अगर मान के चलो ये मेरे पास खत्म हो गया, तो मैं दोबारा से एक थ्रोएबल डायमंड बनाऊंगा एंड इनफाइनाइट डायमंड्स की फिर से बारिश हो जाएगी हमारे ऊपर। ओके डूड्स थोड़ा ज्यादा हो रहा है, ये क्या है हमारा, ज्यूस वुड बी इंप्रेस्ड, मैं इसको चेक करना चाहता एक बार, इससे क्या होता। ओ भाई एक साथ में कितनी सारी आई थिंक ऑलमोस्ट 6 या 7 हम लोग एक ही बार में डायमंड के स्वॉर्ड्स को फेंक सकते हैं ब्रो। पर ज्यूस वुड इंप्रेस का मतलब क्या हो रहा है, मैं वो देखना चाहता हूँ। मुंह के सामने एक टेस्ट सब्जेक्ट मुझे दिख तो रहा है, मुझे काफी दुख होगा भाई अगर मरमरा गया तो, बट पिगी दादा, यो व्हाट द हेल भाई, हेलो पेल दिया, वेट घोड़ा खत्म है, घोड़ा जी बचने का कोई चांस नहीं है ब्रो, दिस इज टू ओवरपावर्ड यार, वेट अ सेकंड,
पीकी दादा आई एम सॉरी यार, तेरे को मरना पड़ेगा। ओह माय गॉड, मैं भूल गया था एक्चुअली में कि इसमें कन्वर्ट हो जाता है। आई फाउंड वन एंडरमैन। अबे तू जा ना रे, तू मेरे को मारेगा, भाग। ऐसी की तैसी, वेट अ सेकंड गाइस, एंडरमैन भैया यू आर गोना डाई अगर ये मरेगा तो इसको ओके भाग। अरे यार एंडरमैन बड़े गंदे होते भाई, रुको इसको मैं एक बार देखूंगा गाइस। एंड व्हाट टाइम गोना, मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसको देखता रहे। और एकदम से घुस जा कुछ मारने आएगा मेरे को, मारने आएगा मेरे को। चल 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 चल, शाबाश शाबाश भारती भैया, आ जाओ। अरे आना भाई, कहाँ जा रहे हैं? डरा दिया इसने मेरे को भाई। सब आ जा। अरे आना भाई, अरे तू आना भाई, तू मेरे को मारेगा पकौड़े ऐसी की तैसी तेरी। मेरे को एक एंडर पॉल दे, चल एंडर पॉल दे। आई वॉन्ट टू चेक कि क्या हम लोग एंडर पॉल को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते कंबाइन। आई वॉन्ट टू सी दिस मैन। चलो एंडर पॉल यहाँ पे जाएगी। थ्रोएबल एंडर पॉल, आई एम ओवर हेयर नाउ हेयर। ओके भाई ये क्या है भाई, ये कुछ भी हो रहा है भाई। भाई यार दिस इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल यार, ये बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड हो गया भाई। किसी भी चीज को हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इतनी लंबी वीडियो शूट कर दी, मुझे लगता है एंड जाना पड़ेगा भाई। मेरे को आधी सारी चीजों को छोड़कर यहाँ पे सच्ची में मैं हर एक चीज को टेस्ट करने लगूंगा, तो मैं 4 घंटे की वीडियो बना दूंगा यहाँ पे सच्ची में भाई साहब। ओके गाइस एक बार राइट क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या। ओ माय गॉड, ये क्या है? ओ इस एंडर पर्ल की हेल्प से हम लोग बेसिकली बार बार अलग अलग जगहों पे टेलीपोर्ट कर सकते। ओके मैं समझ गया भैया। ओ गाइस एक चीज है भाई, अगर ये चीज काम कर गई तो भाई ये तो कुछ ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाएगा। देखो तो रेजिस्टेंस भी मिला मेरे को भाई जब हम लोग एंटर पर्ल का इस्तेमाल करेंगे तो। ओके ठीक है गाइस, देखो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रिंग्स पड़ी हुई है ना। चलो अभी मैं अपने लिए यहाँ पर बनाने वाला हूँ एक धनुष बाण। भाई ये तो काम नहीं कर सकता, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अगर ये काम कर गया ना यार तो फिर ये ब्रोकन हो जाएगा। ओ माई गॉड, थ्रोएबल बो, बो बो बोज ब्रदर, मतलब बेसिकली हम लोग 3 बो के भाई को बना रहे यहाँ पे। भाई क्या करने वाला है तू, मेरे पास तो एरोज भी नहीं पड़े हुए यार। ओ बट स्टिल हम लोग इसको फेंक सा। ओ यो वेट, ये मल्टीपल चीजें थ्रो कर रहा है। व्हाट, ओ भाई साहब इनफाइनाइट। अरे नहीं 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 भाई, खुद के पिछवाड़े पे तो ना मार कम से कम। हेलो, खुद को तो ना मार भाई, पर ये बहुत ज्यादा ओवर पावर चीज हो गई है, ये बहुत ज्यादा ओवर पावर चीज हो चुकी है। वेट अगर हम लोग यहाँ पे बो के भाई कितने ऊपर से नीचे करो। अरे भाई हेलो हेलो, ऐसे कितने सारे फेंके मैंने ऊपर ये। गाइस अगर हम लोगों ने इतना तगड़ी चीज बनाई है तो हम लोग यहाँ पर क्रॉस बो के साथ भी तो कर सकते हैं ना। मेरे पास एक क्रॉस बो ऑलरेडी पड़ा हुआ था भाई। एक सेकंड रुको गाइस, मेरे को एक डर्ट निकाल ले दो। एंड मेरे को याद ही है, मेरे को डर्ट वाले उस पिरामिड के अंदर मिला था एक क्रॉस बो। वैसे मैं बना सकता हूँ बट मैं एक बार ही प्रेफर करूंगा कि मैं डायरेक्ट उसके अंदर से निकाल के लाऊं। एक मैंने इसको बनाया, इसको मैं फेंकूंगा यहाँ पर, ये आ जाएगा सामने एक और। एंड अब इसके अंदर चलते हैं फटाफट। एंड इसके अंदर क्रॉस बो पड़ा हुआ है। ओके वेट अ सेकंड गाइस, क्या हम लोग क्रॉस बो के साथ, यस यस वेट, बो बो बोस कजन, मतलब जो हमने वो ट्रिपल बो बनाई थी ये वाली, इसका कजन है ये। अब तो तू भाई इसको नीचे निकाल, अब तो तू इसको नीचे निकाल और ऊपर चले एक बारी। मैं देखना चाहूंगा कि ये क्रॉस बो कितनी ज्यादा ओवर पावर्ड है। अरे भाई मेरे को आदत नहीं है भाई एक ही वीडियो के अंदर इतना ज्यादा चीजों को हैंडल करने की, हर एक चीज एक के बाद एक ओवर पावर्ड। ओके ठीक है, देखो जो थ्रोएबल बो है ये हमारी बहुत कुछ फेंक सकती है, बट ये क्या करती है? भाई माफ करो, भाई मेरे को माफ करो, ये क्या ही है? तुम लोग इन बोज को गिन सकते हो, 100 से ज्यादा बोज है ये। ब्रो दिस इज नॉट रियल यार, हाउ कैन दिस बी रियल डूड। देखो एक बारी बारिश हो जाएगी भाई यहाँ पे, इतने सारे बोज फेंके, देखो ऊपर देखो। ओ माई गॉड भाई, एंडर ड्रैगन ना एक सेकंड में मर जाएगा ऐसे करके, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। एंड बाय द वे एक और चीज दिखाता हूँ, मैंने एक और चीज देखी थी इसके अंदर, अभी देखो तुम लोग यहाँ पे रुको, दोबारा से अगर नीचे रहेंगे मैं तुम लोग एक चीज दिखाता हूँ। मैंने अभी अरे कहाँ गई भाई, छेद मैंने ऑलरेडी किया हुआ था। मैं तुम लोग एक चीज दिखाता हूँ, चेक दिस आउट। ओके चेक दिस आउट गाइस, यहाँ पर एक आई ऑफ एंडर पड़ी हुई है। माई गॉड, मुझे फ्री की आई ऑफ एंडर मिल चुकी है। और अगर मैं एक बार इसको प्रेस करूंगा, कुछ है इसके नीचे? मेरे को लग तो नहीं रहा इसके नीचे कुछ है यार। हाँ अच्छा, इसके नीचे स्टोन था। अरे मैं भूल, अरे स्मार्ट है भैया, खुद आपने चेक किया था यार, खुद ही भूल गए कि भाई इसके नीचे तो स्टोन है, इसके नीचे TNTs वगैरह नहीं है एक्चुअली में। चलो गाइस अब यहाँ से गाड़ी बाहर चलते हैं एंड अब देखते हैं क्या हम लोग आई फेंडर के साथ कुछ कर सकते हैं क्या। लेट मी चेक दिस गाइस, अगर ये हो गया भाई सभी लोग लाइक करेंगे, 1,00,000 लाइक्स चाहिए मेरे को इस वीडियो पे। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे चाहिए। यार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? थ्रोएबल आई फेंडर, व्हाई डज इट फील लाइक इट्स पुलिंग
मी इनटू इट, लाइक ये अपने अंदर इसको पुल कर रहा है. ओके okay, ये बोलना चाहता है. ओके okay, मैं इसको एक बार टेस्ट करने वाला हूँ. लेट्स गो मेरे पीछे, लेट्स गो मेरे पीछे. एक सेकंड रुको गाइस. ओके ओके ये क्या करने वाला, मैं देखना चाहता हूँ एक बारी. भैया इसको एक बारी इसको एक बार दू दू राइट क्लिक कर. इस पे लिखा हुआ था व्हाई इज डज इट फील इट्स पुलिंग मी इनटू इट, मींस कोई ऐसी चीज स्पॉन होने वाली जो हमें अपने अंदर खींचने वाली है, डेंजर हो सकता है. माय गॉड फुद्दू साला, तूने मेरे को डरा दिया. पकौड़े डराता है मेरे को, तेरे को मैं देखेगा जान मुझ के, और तेरे को मैं अभी मारेगा. अभी देख तू बच के दिखा, बच के दिखा पकौड़े. अच्छा इसको तो लगता ही नहीं, मैं भूल गया था एक्चुअली. आजा 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 ना, आजा ना भाई, तू आजा ना भाई, जला के मारूंगा तेरे को मैं. आजा, मेरे को मारेगा. रुको रुको, ऐसे नहीं मानने वाला, ये ऐसे नहीं मानने वाला. आजा, अरे तू मेरे को मार, तू मेरे को टच करके दिखा. ले मेरे आयरन गोलम की जो सेना है ना, ये तेरे बाप पिताजी को भी नहीं छोड़ेगी. समझा ना तू भाई, गलत वर्डिंग का इस्तेमाल हो गया तब यहाँ पे. आजा ना, कहाँ गया, फट गई देख के मेरे आयरन गोलम को. देखा भाई, इतने सारे आयरन गोलम को देख के किसी की भी ऐसी की तैसी हो जाएगी. खैर छोड़ो भाई ये सब, अभी हम लोग यहाँ पर थ्रोएबर एंडर इसको मार रहे थे, तो मैं इसको ना एक बारी दूर मारने वाला. वेट वेट, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा, क्या हो रहा है. आ ब्रो ब्रो, ये एक ये एक ये एक अ ब्लैक होल है, ये मुझे अपने अंदर सक कर रहा है. व्हाट, ओ माय गॉड, हम लोग डायरेक्ट एंड में आ चुके हैं ब्रो. दिस इज सो ओवरपावर्ड यार. ओके गाइस, अभी मैं एक काम करने वाला हूँ. क्यों ना अपने इन बहुत सारे एरोस के साथ इनको फोड़ने का काम करते हैं. बहुत इजीली फूट जाएगा, बहुत इजीली फूट जाएगा भाई. पहली बार मेरे को लग रहा है मैं बहुत आसानी के साथ यहाँ पे गेम को बीट करने वाला ब्रो. सीरियसली इसी तो बहुत आसान हो गया यार. आई मीन इतना आसान मैंने सोचा नहीं था माइनक्राफ्ट हो सकता कभी. चलो अभी जो ऊंचे ऊंचे हैं हमारे, इनको भी हम लोग काफ़ी आसानी के साथ आई थिंक फोड़ सकते हैं, काफ़ी आसानी के साथ फोड़ सकते हैं. यह फूट गया, शाबाश. अब बचा है तू हमारा, तू भी बहुत आसानी के साथ फूटेगा, तू भी फूटेगा, तू भी फूटेगा ऊपर. लेट्स गो. और अभी गाइस हमारा ये आखिरी वाला टावर बचा हुआ है, इसको भी हम लोग आई थिंक आसानी से फोड़ सकते हैं. उछल उछल के फेंकूंगा अगर मैं तो. यह लेट्स गो भाई. अब तो अभी अभी देखो गाइस, तुम लोग यहाँ पे जब ये नीचे आ रहा होगा मैं तब इसको मारने वाला, ठीक है ना. अभी गाइस मैं बता रहा हूँ, अभी अभी आई थिंक डायमंड की और चीजें बची, तो नेदरराइट की तो मैंने अभी तक टच भी नहीं करी थी. लेट मी चेक दिस. ओ ये बैठ गया, ये बैठ गया. दैट्स व्हाई. रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं. मेरे पास ये पड़ा हुआ है भाई, ये पड़ा हुआ, टेंशन क्या है. मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे ये पड़े हुए, ये मारेंगे तेरे को. तू आ जा, तू आ जा भाई, तू आ एक बारी. मारो 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 इसको, मारो. कमॉन आयरन गोलम्स, मारो इसको पकौड़े को ऐसी के तैसी. एंड मैं मर जाऊंगा. नहीं 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 नहीं, खाने का. मरना नहीं है स्मार्टी, मरना नहीं आपको स्मार्टी, ठीक है ना. मेरे आयरन गोलम्स क्या कर रहे हैं भाई ये. एंड एंडरमैन को क्यों मार रहे हो, पागल हो क्या भाई. ये मेरे को उड़ा के फेंकी. नहीं 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 नहीं, बच गया. अगर मैं अभी हवा में उड़ता गाइस तो मेरे सर्वाइवल का कोई चांस नहीं था हुआ है, क्योंकि बकेट नहीं है मेरे पास, बच गया हूँ अभी. ओ वेट अ सेकंड, मेरे पास यहाँ पे ये पड़ा हुआ है ना एक, इसके साथ मैं इसको. अरे तू इधर आ एक बार, तेरे को तब बताऊंगा मैं पकौड़े ऐसी की तैसी. नो गाइस, इसने पूरे सिंहासन को तोड़ दिया. नहीं थोड़ा ज्यादा हो गया भाई. आजा 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 ना, आजा ना भाई, खत्म है तू अभी. ओके इस बार कहीं से असेंड करेगी नीचे को, शी इज गोना डाई, कोई चांस नहीं है. ये बहुत ओवरपावर्ड हमारी क्रॉस वो है, लाइक इतनी ओवरपावर्ड क्रॉस मैंने आज तक नहीं देखी है भाई सच्ची में. ओ माय गॉड, मैंने एक बार क्लिक कर रहा हूँ और एक बार क्लिक करके देखो तुम लोग यहाँ पर क्या हो रहा है. नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, ये आपकी मौत है. आपको लग रहा आप नीचे आ रहे हो बट आप झांसे में फंस रहे हो स्मार्टी पाए के. लेट्स गो भाई, सो एफर्टलेस यार भाई साहब. और तुम लोग देख रहे हो क्या भाई, क्या इन्वेंटरी है ये, क्या इन्वेंटरी है भाई ये. भाई साबित थोड़ा ज्यादा ओवर पावर्ड हो गया यार. चलो भाई मैं निकलने वाला हूँ. आई थिंक हम लोग अंडे के साथ भी कुछ तो क्राफ्ट कर सकते हैं. शिट मैन, मैंने करना चाहिए था क्राफ्ट यहाँ का. खैर छोड़ो गाइस, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना. मुझे चाहिए 100,000 likes और मुझे चाहिए इस वीडियो से कम 10,000 सब्सक्राइबर्स गेन जरूर हो, तो सब्सक्राइब जरूर करना. और मैं मिलता हूं ऐसी धांसू नेक्स्ट वीडियो में. तो बाय.